ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो प्रीवियस वन वॉज नॉट क्लियर, सो आई थॉट टू रिपीट लेक्चर सेकेंड इन ब्रीफ. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द DNS सिस्टम, यानी डोमेन नेम सिस्टम एंड IP एड्रेस, ऑल्सो ईमेल स्ट्रक्चर एंड वेब एड्रेस. सो हम स्टार्ट दोबारा कर लेते हैं ब्रीफ में कि डोमेन नेम सिस्टम और IP एड्रेस हमारा क्या है. ओके, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, शायद आपने प्रॉपरली अगर उसको उसके वर्डिंग को ग्रास्प किया होगा तो आप कई हद तक डोमेन नेम सिस्टम को कैच कर पाए होंगे कि डोमेन नेम सिस्टम हमारा क्या होता है. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि डोमेन नेम सिस्टम इज़ योर वेबसाइट नेम. जो भी डोमेन नेम सिस्टम होता है वो हमारा वेबसाइट का नेम होता है, या फिर डोमेन नेम इज़ द एड्रेस, या डोमेन नेम को हम एड्रेस की तरह डिनोट कर सकते हैं. बट डोमेन नेम सेम टाइमिंग पे वेबसाइट और सेम टाइमिंग पे एड्रेस कैसे हो सकता है. सो डोमेन नेम जो है वो नेम ऑफ योर वेबसाइट एड्रेस, जो भी हमारी वेबसाइट का एड्रेस होता है उसी को हम डोमेन नेम से डिनोट करते हैं. यानी डोमेन नेम हमारा वेबसाइट का एड्रेस होता है जहाँ पर इंटरनेट यूज़र एक्सेस करते हैं किसको, वेबसाइट को. यानी इंटरनेट यूज़र वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जिस वेब एड्रेस का यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं. क्लियर है इतना कि हाँ डोमेन नेम जो होता है वो हमारा वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाने वाला एड्रेस होता है. ओके, इतना क्लियर है. उसके बाद ये बोलते हैं कि डोमेन नेम जो है वो एक यूनिक एड्रेस होता है. क्यों यूनिक होता है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया जाए, अगर आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन नंबर होता है, मोबाइल फ़ोन नंबर यूनिक नंबर होता है. आपने कभी नोटिस किया है कि सेम मोबाइल फ़ोन नंबर नंबर ऑफ पर्सन्स के पास होता है, या सेम मोबाइल फ़ोन टेलीफोन नंबर दो पर्सन्स के पास होता है, उसी से दोनों कम्युनिकेट करते हैं, ऐसा नहीं होता है. ऐसे ही हमारा जो वेब एड्रेस होता है वो यूनिक एड्रेस होता है किसी भी नेटवर्क का, कंप्यूटर नेटवर्क का, जो हमारा क्या करता है, किसी वेबसाइट को डिनोट करता है. इसलिए हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, उसी को हम डोमेन नेम के नाम से जानते हैं. इतना क्लियर है आपका डोमेन नेम का कंसेप्ट, क्लियर हुआ कि डोमेन नेम होता क्या है. डोमेन नेम जो हमारा होता है वो वेबसाइट का एड्रेस होता है, उससे ज़्यादा इसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे. अभी हम डोमेन नेम सिस्टम नहीं बताती हूँ, मैं सिर्फ डोमेन नेम के बारे में बता रही हूँ कि डोमेन नेम क्या होता है. क्लियर है इतना. ओके, सो हम डोमेन नेम के बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेंगे तो हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसका कि डोमेन नेम होता क्या है. डोमेन नेम जो है वो हमारा टू और मोर पार्ट्स कंसिस्ट करता है, और वो हमारा सेपरेटेड होता है पीरियड, यानी डॉट कॉमा सॉरी डॉट पीरियड के साथ में. ये डॉट पीरियड जो है वो हमारे डोमेन नेम को सेपरेट करता है. ये एग्जाम्पल है हमारा किसका, डोमेन नेम का एग्जाम्पल है जो लिखा हुआ है google.com. google.com को ही, यानी ये गूगल जो .com है वो हमारा वेब एड्रेस नेम है, किसी वेब का एड्रेस है google.com. ये आपने मोस्टली पढ़े होंगे google.com, gmail.com, yahoo.com, ये सारे हमारे क्या होते हैं, डोमेन नेम होते हैं. क्लियर है इतना. डोमेन नेम दो तरीके से, दो पार्ट में सेपरेटेड होते हैं, इस फुल स्टॉप यानी कॉमा पीरियड के डॉट पीरियड के थ्रू. इसमें जो ये वाला पार्ट होता है उसको हम नेम के थ्रू डोनेट करते हैं, ये नेम है. और ये वाला जो पार्ट होता है वो एक्सटेंशन होता है. ओके, हर एक एक्सटेंशन का फुल फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ बहुत सारे एब्रीविएशंस दिए गए हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. पहले तो आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डोमेन नेम हमारा क्या होता है, और डोमेन नेम के एग्जांपल्स के थ्रू आप जान गए होंगे कि एक्सटेंशन और नेम क्या होता है. क्लियर है इतना. ओके, अब हम कुछ एब्रीविएशन पढ़ते हैं डोमेन नेम के. तो डोमेन नेम के, अच्छा ये जो था .com ये एब्रीविएशन था उसका, डोमेन नेम का, ठीक है. ऐसे ही एब्रीविएशन के एग्जांपल दूंगी तो आप लोग समझ जाओगे कि एब्रीविएशन क्या होते हैं. ओके, जो भी एब्रीविएशन के थ्री लेटर्स होते हैं, थ्री लेटर किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करते हैं. अगर टू लेटर में आपको डोमेन नेम दिख रहा है तो इसका मतलब वो किसी कंट्री के नेम को डोनेट कर रहा है. क्लियर है इतना. तो अब टू लेटर और थ्री लेटर के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि edu.edu. आप लोगों ने कभी कभी वेबसाइट ओपन की होगी तो देखा होगा www.example.edu.in, इस तरीके से. तो जहाँ edu आप शो हो जाए आपको, तो आप लोग समझ सकते हो कि जो वेबसाइट रिलेट कर रही है वो एजुकेशनल वेबसाइट रिलेट कर रही है. ऐसे ही सेकेंड है हमारी थ्री लेटर की एब्रीविएशन .gov. यानी गवर्नमेंटल वेबसाइट शो कर रही है. उसके बाद है .com यानी कॉमर्शियल वेबसाइट शो कर रही है. उसके बाद ये थ्री लेटर के एब्रीविएशन हमारे क्लियर हो गए. उसके बाद हमारा टू लेटर के एब्रीविएशन,
लाइक www.example.com.in .pay की .au .uk इस तरीके के एग्जाम्पल आप लोगों ने नोटिस किए होंगे। ये दो लेटर की जो एब्रिविएशन होती है वो कंट्री के नेम को डिनोट करती हैं। जैसे IN किसको डिनोट करता है, इंडिया वेबसाइट को, और AU किसको डिनोट करता है, ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट को। इतना क्लियर है? डोमेन नेम का कंसेप्ट आपको समझ में आया कि डोमेन नेम जो है एग्जैक्टली क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। यानी वेबसाइट का एड्रेस दो सेपरेटेड पार्ट में डिवाइड होता है, इस तरीके से एब्रीविएशंस होते हैं डोमेन नेम के। डोमेन नेम का कंसेप्ट क्लियर है। अब हम बात करते हैं डोमेन नेम सिस्टम की। ठीक है, डोमेन नेम क्लियर है। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम जो है वो ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में। डोमेन नेम सिस्टम यानी जब भी हम डोमेन नेम को सॉरी जब भी ट्रांसलेट किया जाता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डोमेन नेम सिस्टम बोला जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल भी लेते हैं। अब जो सॉरी पहले मैं IP एड्रेस का कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि IP एड्रेस क्या होता है। जो भी नंबर्स होते हैं, यानी ये मैं एग्जाम्पल अभी एक्सप्लेन करूँगी आपको IP एड्रेस का, जो स्ट्रिंग नंबर्स होते हैं जो सेपरेटेड होते हैं फुल स्टॉप के थ्रू, उनको जो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं किसको? कंप्यूटर को, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू कंप्यूटर का एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए जिस एड्रेस का यूज़ होता है उसको IP एड्रेस बोलते हैं। डोमेन नेम हम लोगों के लिए बनाया गया है जिससे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लें कि वेबसाइट का टाइप क्या है, बट मशीन्स के लिए जो बनाया गया है वो IP एड्रेस बनाया गया है जिससे मशीन ये पता कर ले कि जो एड्रेस है वेब एड्रेस यानी यूनिक जो एड्रेस है वो किस कंप्यूटर सर्वर से बिलोंग करता है। क्लियर है इतना IP एड्रेस के बारे में? ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम जो डोमेन नेम को ट्रांसलेट करता है IP एड्रेस में। क्लियर है इतना? ओके, तो IP एड्रेस का हम एग्जांपल देख लेते हैं। उससे पहले हम डोमेन नेम के बारे में मैंने आपको बताया था, तो डोमेन नेम में www.example.com यह आपका जो है www वर्ल्ड वाइड वेब है, मेन कंपोनेंट है हमारा किसका? इंटरनेट का। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। और जो example.com है वो हमारा क्या है? डोमेन नेम है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था यहाँ पर google.com, सेम वैसे ही example.com आपका डोमेन नेम है और इट माइट बी ट्रांसलेट इनटू IP एड्रेस। जिसका एग्जाम्पल दिया गया है 198.105.232.4, यानी ये जो है वो हमारा IP एड्रेस है। यानी इस डोमेन नेम को कन्वर्ट किया गया है किसमें? इस IP एड्रेस में, जिससे मशीन ये आइडेंटिफाई कर सके ये किस वेब सर्वर का एड्रेस है। इतना क्लियर है? ओके, अब ये जो इसका जो फॉर्मेट होता है IP एड्रेस का, वो कुछ इस तरीके से होता है कि इसका जो नंबर होता है इसमें ईच नंबर जो है वो हमारा फ्रॉम सॉरी हाँ इसमें जो ईच नंबर है वो हमारा 0 से 255 तक ही कंसिस्ट करता है। जैसे कि आप ही 3 डिजिट देख रहे हैं, इनके पेयर बने हुए हैं 105, 232, 198। ये जो नंबर है वो कहाँ से? 0 से 255 तक का ही नंबर कंटेन करते हैं, इससे ज़्यादा नंबर कंटेन नहीं करेगा। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन हुई, यानी फर्स्ट फॉर्मेट कंडीशन हुई इसकी। अब IP एड्रेस जो है मैं बता चुकी हूँ, वो आइडेंटिफाई करता है होस्ट कंप्यूटर को, यानी हमारे जो वेब सर्वर होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, जिससे कि जो डेटा पैकेट्स होते हैं, डेटा पैकेट जो इन्फॉर्मेशन के डेटा पैकेट होते हैं, वो ईजिली करेक्ट एड्रेस पर क्या हो सके? ट्रांसफ़र हो सके। इसलिए IP एड्रेस का यूज़ कंप्यूटर सर्वर करता है। क्लियर है? और IP एड्रेस का मेन करेक्टरिस्टिक ये है कि IP एड्रेस हमारे क्या होते हैं? यूनिक एड्रेस होते हैं। क्लियर इतना? ये आपका कंसेप्ट जो था वो किसका था? डोमेन नेम सिस्टम का था। एक बार देख लीजिए इसको कम्प्लीटली। डोमेन नेम सिस्टम का जो कंसेप्ट था, डोमेन नेम का इंट्रोडक्शन सबसे फर्स्ट आपका, उसके बाद डोमेन नेम का एक एग्जांपल, कुछ एब्रीविएशन जिससे आप समझ जाएंगे कि डोमेन नेम को हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका होगा डोमेन नेम सिस्टम, यानी जो भी प्रोसेस होता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में चेंज करने का, उसको डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। IP एड्रेस का एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, जिसमें मैंने आपको उसका फॉर्मेट भी क्लियर किया और ये भी बताया कि IP एड्रेस जो है हमारा वो क्यों यूज़ होता है, और मेन करेक्टरिस्टिक भी बताया कि IP एड्रेस हमारा क्या होता है? यूनिक एड्रेस होता है। यानी हर एक मशीन का एक अलग IP एड्रेस होगा, किसी भी मशीन या टू और मोर मशीन्स के सेम IP एड्रेस नहीं हो सकते हैं। क्लियर है इतना IP एड्रेस का कंसेप्ट? ओके, अब हम बात कर रहे थे ईमेल स्ट्रक्चर की। ईमेल स्ट्रक्चर क्या था? ईमेल स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया था
कि हमारे पास ईमेल के जो फॉर्मेट है वो एक ही तरीके का फॉर्मेट है, कोई अलग तरीके से ईमेल का फॉर्मेट यूज़ करके अपना ईमेल अकाउंट या ईमेल आईडी नहीं बना सकता है। जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट यूज़र एट द रेट डोमेन, ये हमारा ईमेल का फॉर्मेट है, जिसमें जो यूज़र है ये वाला पार्ट, ये यूज़र नेम डिफाइन करता है, यानी यूज़र का जो नेम है, यूनिक नेम जो भी वो रखना चाहता है वो ये आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद ये जो एट द रेट है, एट द रेट हमारा एज अ सेपरेटर काम करता है। सेपरेट किसको करता है? यूज़र नेम को और डोमेन नेम को, दोनों को सेपरेटर करता है, इसलिए इसको सेपरेटर बोलते हैं। डोमेन जो है वो क्या करता है, यहाँ पे डोमेन नेम आइडेंटिफाई करता है मेल सर्वर का। मेल सर्वर का डोमेन नेम मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ जीमेल पे अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मेल सर्वर्स होते हैं जिनको जिनके ऊपर हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और ये डोमेन नेम उस मेल सर्वर को आइडेंटिफाई करता है। ओके, क्लियर है इतना आपको? और डोमेन नेम में कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा अब आपको। ओके, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा उसका ईमेल का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पार्ट क्या डिनोट करता है। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा एबीसी, ये एबीसी जो है वो यूज़र नेम है, आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो, यूनिक आईडी होनी चाहिए बस, वो सेम नहीं होना चाहिए किसी के साथ, ठीक है? ये यूज़र नेम हो गया, एट द रेट मैंने बताया था सेपरेटर है, yahoo.com ये क्या है? डोमेन नेम है, यानी ये रिकॉग्नाइज कर रहा है मेल सर्वर कि किस मेल सर्वर पे आपका ईमेल अकाउंट बना हुआ है। तो मैं कुछ मेल सर्वर बता रही हूँ जिन पे हम मोस्टली अकाउंट क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। जीमेल लाइक abc@gmail.com, याहू मेल या abc@yahoo.com, रेडिफ मेल या फिर abc@rediffmail.com, ये आपके कुछ मेल सर्वर है जिनके ऊपर हम अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ छोटा सा स्ट्रक्चर था आपका किसका, ईमेल का। क्लियर है? इसमें इतना कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है। तो ईमेल जो है आप मोस्टली देखते रहते हैं, तो आप उसको स्ट्रक्चर जो है इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। क्लियर है इतना? ओके, नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वेब एड्रेस के बारे में बताऊंगी, कि ये फर्स्ट चैप्टर में यही कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको मैं रिटन में एक्सप्लेन कर सकती थी। ओके, तो हम वेब एड्रेस से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो वेब होता है वो हमारा कलेक्शन होता है किसका, डॉक्यूमेंट्स का, यानी मैनी वेब पेजेस का, बहुत सारे वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है वो हमारा वेब होता है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ WWW के बारे में। ओके, वो हमारा कलेक्शन होता है कहाँ पे, जो हमारे कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क पर स्टोर्ड होता है ऑलरेडी, ठीक है? ईच वेब पेज हैज़ एन एड्रेस डिस्क्राइबिंग वेयर इट कैन बी फाउंड, यानी हर एक वेब एड्रेस जो होता है वो ये डिस्क्राइब करता है कि उसका वेब पेज कहाँ मिलेगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हर एक वेब पेज यानी हर एक वेब पेज का एड्रेस ये डिफाइन करता है कि वो वेब पेज कहाँ लोकेट है, और उसी वेब पेज के एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, वेब एड्रेस या URL बोलते हैं। क्लियर है? यानी वेब पेज का एड्रेस डिनोट करने वाले वेब को हम वेब एड्रेस या URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, मैं मेंशन किए दे रही हूँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको वेब एड्रेस या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। अब हमें ये तो पता पड़ गया कि ठीक है, हाँ जो वेब हमारा होता है वेब एड्रेस, उसको वेब एड्रेस या URL एड्रेस जो होता है वो हमारा वेब पेज डिनोट करता है, यानी वेब पेज का एड्रेस लोकेट करता है कि वेब पेज का एड्रेस एग्जैक्टली कहाँ पर है। ओके, तो पर वो वेब एड्रेस जो है वो किस तरीके का दिखता है, यानी हम कैसे पता लगाएंगे ये हमारा वेब एड्रेस यानी URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिसके कंपोनेंट्स भी मैंने डिस्क्राइब किए हैं आपको, जैसे कि हम देख लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल है http://www.learnit.com, ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, वेब एड्रेस यानी एक URL है ये, ठीक है, URL है, यानी हमारा ये जो है इस यही आप देख, जब भी आप नेट पे सफ़र करते हो या कोई भी सर्च इंजन ओपन करते हो, तो आप सबसे टॉप पे एड्रेस बार में इस लिंक को देखते होगे, और वही एड्रेस बार में आपका URL प्रेजेंट होता है। क्लियर है इतना? ओके, तो मैं कुछ पार्ट्स डिफाइन करना चाहूँगी URL के आपके, इसमें ज़रूरी नहीं है इसी सीक्वेंस में हो जो मैंने लिखा है उसके पार्ट। ओके, तो सबसे पहले जो URL होता है वो किसी प्रोटोकॉल का
नेम कंसिस्ट करता है जिसके थ्रू वो फाइल्स को लोकेट करता है, उसके बाद डोमेन नेम होता है, उसके बाद पाथ या फोल्डर होता है जहाँ पे जो फाइल होगी जो वो लोकेट कर रहा है वो क्या होगी, वो हमें मिलेगी वहाँ पे, वो स्टोर होगी। ठीक है, तो अब कुछ इस तरीके से मैं इसके कंपोनेंट्स डिस्क्राइब कर रही हूँ एग्जांपल के थ्रू, तो आप जान पाएं कि कहाँ प्रोटोकॉल होता है, कहाँ डोमेन नेम होता है और कहाँ पे उसका लोकेशन होता है फाइल का। तो ये एग्जांपल है http://www.microsoft.com @home default aspx। ठीक है, इसमें जो HTTP है वो प्रोटोकॉल है, कौन सा प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये जो प्रोटोकॉल वाला कंसेप्ट है ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है अभी, इंटरनेट प्रोटोकॉल और ईमेल प्रोटोकॉल। मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी आप लोगों को बताया था कि आपके ईमेल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में डिस्क्रिप्शन दूंगी, और प्रोटोकॉल मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको कि क्या होता है, TCP/IP वाला टॉपिक में याद करिएगा। ठीक है, तो ये HTTP है प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो WWW है इसके बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये हमारा मेन पार्ट ऑफ द इंटरनेट है। ठीक है, Microsoft.com जो है वो डोमेन नेम या फिर IP एड्रेस है। ओके, और ये जो है वो हमारा क्या है, हमारा पाथ या फोल्डर का नेम है जहाँ पर भी हमारी फाइल या वेब पेज क्या होगा, लोकेटेड होगा। क्लियर है स्ट्रक्चर इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि URL क्या होता है, URL के पार्ट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, URL हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, एड्रेस बार पर टॉप पर। क्लियर है इतना। ओके, अब हमारे पास लास्ट ये है कि URL जो होता है वो आपका टू टाइप्स का होता है, यानी URL को कम्प्लीटली कोई बना के डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, बट उसके करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उसको टू पार्ट्स में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। क्योंकि URL जो है जब हम वेबसाइट बनाते हैं उसी टाइम पे हम वो डेवलप्ड होता है, यानी उसी टाइम पे हम एड्रेस बार में उसको पुट करने के लिए यूज़ करते हैं। सीधी सी बात है, जब तक हमें एड्रेस नहीं पता होगा हम वेबसाइट लोकेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम URL वेब पेजेस या वेबसाइट बनाते टाइम उसको डेवलप करते हैं, और उसी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हमने उसको क्या किया है, डिफ्रेंशिएट कर लिया है, यानी टू टाइप्स टू कैटेगरी में रख दिया है। अब URL की टू कैटेगरी क्या है, एब्सोल्यूट URL होता है और रिलेटिव URL होता है। एब्सोल्यूट URL में क्या है, एब्सोल्यूट URL जो है हमारा वो मोर इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट करता है, अगर हम कंपैरिजन करें रिलेटिव URL से, तो यानी रिलेटिव URL के कंपैरिजन में ये एब्सोल्यूट रेफरेंस हमारी जो है मोर इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट करता है, बिकॉज ये जो है वो प्रोटोकॉल भी कंसिस्ट करता है और आपका डोमेन नेम भी कंसिस्ट करता है। यानी ये जो एग्जांपल आप देख रहे थे यहाँ पे, प्रोटोकॉल और डोमेन और फाइल की लोकेशन, ये एब्सोल्यूट URL का एग्जाम्पल है। ओके, अब रिलेटिव URL क्या होता है, रिलेटिव URL क्या होता है, जनरली इजीली वर्क करता है हमारा, ये इजीली वर्क करता है, मतलब ये टू पेजेस को लिंक करने के लिए मोस्टली यूज होता है, या फिर जब भी आप वेब डेवलपिंग सीख रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो और दो पेजेस को आपस में लिंक कर रहे हो, तो आप रिलेटिव URL का यूज़ करोगे तो वो बेटर होता है आपके लिए पेजेस को लिंक करने के लिए। जैसे कि ये मेन एग्जांपल हो गया आपका भी HTML वाला, जब आपका टॉपिक स्टार्ट होगा तो आप इन दोनों को और भी अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे आप लिंक्स क्रिएट करना सीखोगे। क्लियर है इतना, और ये इजीली डेवलप्ड किया जा सकता है, इसलिए इसको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है जितना हमारे एब्सोल्यूट URL को दी जाती है। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट वेब एड्रेस और URL का, मे बी आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा अगर आप प्रॉपरली इसको रीड करोगे तो। ओके ओके, देन थैंक यू क्लास।